बॉलीवुड से लेकर टीवी तक की एक्ट्रेस अक्सर कास्टिंग काउच को लेकर चौंकाने वाले खुलासे करती रही। कई अभिनेत्रियों ने बताया उन्हें काम के बदले समझौता करने के लिए कहा गया था। वही अब इस लिस्ट में आशा नेगी भी शामिल हो गई। टीवी से लेकर अब ओटीटी पर धूम मचा रही आशा नेगी ने हाल में ही के इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। आशा नेगी टीवी के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कदम रख चुकी है और अब ओटीटी में काम करना चाहती है। इसकी वजह से ये वह टीवी इंडस्ट्री में काम करते हुए टाइपकास्ट नहीं होना चाहती। आशा अब हनीमून फोटोग्राफर को लेकर चर्चा में है जो ओटीटी पर रिलीज हुई। आशा जोरों शोरों से अपनी वेब सीरीज के प्रमोशन में जुटी है जो 27 सितंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज हुई। सीरीज में उन्होंने एक फोटोग्राफर की भूमिका निभाई। इसी बीच उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपने शुरुआती एक्सपीरियंस को लेकर भी खुलकर बातचीत की। दरअसल हाउट फ्लाई से बातचीत के दौरान आशा नेगी ने अपने डरावने कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस पर खुलासा किया। आशा ने याद करते हुए कहा, उस समय मैं सिर्फ 20 साल की रही होगी, तब कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे जो काम देते थे। मैं भी एक कोऑर्डिनेटर से मिली थी, उसने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया था। सच कहूँ तो वो अपनी बातों से मुझे रिझाने और लगभग मेरे ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा ही होता है और तुम इसे इसी तरह भरोगे। उन्होंने मुझसे सीधे कहा, हीरोइन बनना है तो ये सब करना पड़ेगा। जितने भी बड़ी टीवी एक्टर्स हैं सभी ने ऐसा किया है, तुम्हें भी करना होगा। आशा नेगी ने बताया कि कोऑर्डिनेटर ने उनसे सीधे तौर पर समझौता करने के लिए नहीं कहा, लेकिन उन्हें इरादों को भांप लिया। आशा ने कहा कि मैंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। उस समय एक्ट्रेस ने आत्मविश्वास से काम किया, लेकिन वास्तव में वह डरी हुई थी। आशा ने बताया उन्होंने सारी बात अपने एक दोस्त को भी बताई, लेकिन उसे सब सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। आशा ने कहा, मेरे दोस्त ने बस इतना कहा, यह सब होता है, ये नॉर्मल है। वह बिल्कुल भी हैरान नहीं था। उसने मुझसे सीधे तौर पर बात नहीं की, अगर हीरोइन बनना है तो ये सब करना ही होगा। ये सब चीज़ें मैंने मेरे दोस्त को बताई। मैं अंदर से नर्वस हो रही थी, लेकिन चेहरे पर कॉन्फिडेंस रखते हुए मैंने उसे इनकार कर दिया। वो जैसे ही वैसे गया, मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, उन्हें सब कुछ बताया, तो मेरा शुरुआती एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब था। आशा नेगी ने टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में पूर्वी देशमुख का किरदार निभाकर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की थी। बाद में वह बारिश में गोरवी करमरकर के रूप में दिखाई दी और फिर फेयर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 6 में भी नजर आई। एक्ट्रेस अब ओटीटी पर छाई हुई है। हाल में ही उनकी वेब सीरीज हनीमून फोटोग्राफर रिलीज हुई थी। इसका प्रीमियर 27 सितंबर को जियो सिनेमा पर हुआ था। इस वेब सीरीज में उन्होंने अंबिका नाथ नाम की एक फोटोग्राफर की भूमिका निभाई है।